नमस्ते, एजी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेनिटा डिसोसा। आज हम बुखार में उपयोग होने वाली जीवंत्यादि कषायम, एक आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग फोड़ों के साथ बुखार होना, चेचक, साधारण फोड़े, डायबिटिक कार्बंकल्स और हर्पिस के उपचार में किया जाता है। खुराक और दवा लेने का समय निर्धारित चिकित्सक के निर्णय पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसे 10 से 20 ml भोजन से पहले या खाली पेट में दिन में एक या दो बार दी जाती है। इसे शर्द और गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। जीवंत्यादि कषायम के कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। इसमें जीवंती, रिवेरा, त्रिफला यानी तीन जड़ी बूटियों का संयोजन, आमला की, हरी तकी और वेवी तकी, यह हल्के रेचक रूप में कार्य करता है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। और वासा, गिलोय, यह बुखार से राहत देने में उपयुक्त है और रक्त को शुद्ध करता है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी उपयुक्त है। और सारीवा, अदरक, जो सूजन कम करता है। यष्टि मधु, मुस्ता, चंदन, पटोला, उशीरा और नीम। जीवंत्यादि कषायम की दुष्प्रभाव, मधुमेह के रोगियों में, बच्चों में, गर्भावती और स्तनपान की अवधि में इस दवा को उपयोग करने से पहले आपके डॉक्टर से सलाह लें। इसका रेफरेंस सहज योग कषाय योग प्रकरण से लिया है। यह आर्य वैद्यशाला कोटेकल द्वारा निर्मित है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया भेंट कीजिए easyayurveda.com।